नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द मरीन वेव्स के इस एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त जयवर्धन सिंह राणावत और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के कौन से टॉप 10 मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें से आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको सारे कॉलेजेस की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे, उस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कौन कैसा है, उस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पूरे वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको भी एक छोटा सा काम करना होगा, आपको करना होगा इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि हमेशा जब भी हम ऐसे वीडियोज़ अपलोड करें तो आप नोटिफाइड रहें। तो दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि ज़रूर देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ और सबसे आजकल के टाइम पे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि वो कॉलेज जो है वो DGS अप्रूव्ड है या नहीं, क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे अनअप्रूव्ड DGS कॉलेजेस हैं जो कि चल रहे हैं और उनमें आपको बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले ये जो कॉलेजेस हैं वो DGS अप्रूव्ड होने चाहिए, इनकी जो रैंक है वो अच्छी होनी चाहिए DGS की जो लिस्ट है उनमें, और दोस्तों इनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आखिरकार आप उस कॉलेज में एडमिशन ले क्यों रहे हैं, प्लेसमेंट लेने के लिए ले रहे हैं ना, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड उस कॉलेज का बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और साथ ही में क्योंकि एक रेजिडेंशियल कोर्स होता है मर्चेंट नेवी का, तो दोस्तों वहाँ पे जो रहने की जो फैसिलिटीज़ होती है वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही में ऑफकोर्स वहाँ की जो फैकल्टीज़ है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप वहाँ पे जो भी नॉलेज गेन करें वो आपके साथ साथ हमेशा बने रहे और वो आप एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकें और आप शिप पे जाके अच्छे परफॉर्म कर सकें काफ़ी अच्छे से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला कॉलेज जो दोस्तों नंबर वन आता है पूरी कंट्री में वो है दोस्तों TMI और ऑल्सो कॉल्ड एज तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। दोस्तों ये कॉलेज लोकेटेड है पुणे में और ये है पूरे भारत का नंबर वन कॉलेज। ये एक प्राइवेट कॉलेज है, इस पूरी लिस्ट में हम सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये एक प्राइवेट कॉलेज है और इसकी रैंक जो है वो नंबर वन है पूरी कंट्री में। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों तीन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में, और वो है DNS, BTech मरीन इंजीनियरिंग और BSc नॉटिकल साइंस। तो दोस्तों ये जो तीन कोर्सेज हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में। प्लेसमेंट रिकॉर्ड की दोस्तों बात की जाए तो काफ़ी अच्छा यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, और क्योंकि इनकी खुद की शिपिंग कंपनी है और बहुत सारी शिपिंग कंपनीज के साथ इनके टाइप्स हैं, तो आप चाहे किसी भी शिपिंग कंपनी की बात करें, किसी भी बड़ी शिपिंग कंपनी की बात करें, चांसेस है कि वो शिपिंग कंपनी यहाँ पे आती होगी रिक्रूट करने के लिए। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा नाम है इस कॉलेज का। ऑफकोर्स फीस इस कॉलेज की थोड़ी ज़्यादा है बाकी कॉलेजेस के मुकाबले, भारत में सबसे ज़्यादा फीस तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट्स की है, तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट की है, लेकिन दोस्तों वो कोई मैटर नहीं करता है इतना ज़्यादा, क्योंकि प्लेसमेंट दोस्तों ये बहुत ही अच्छा देते हैं, प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ का बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग बात करते हैं कि 100% प्लेसमेंट मिल जाएगा यहाँ पे आने के बाद, सर बिल्कुल नहीं। 100% प्लेसमेंट की अगर आपकी थिंकिंग है तो मर्चेंट नेवी आप ज्वाइन ही मत कीजिए, अभी के अभी आप किसी और फील्ड में स्विच कर लीजिए, अभी टाइम है। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हैं जो कि अपने हार्डवर्क में बिलीव करते हैं और ये बिलीव करते हैं कि अगर वो खुद मेहनत करे तो किसी भी कंपनी में प्लेस्ड हो सकते हैं, तभी आप इस फील्ड में आइए, क्योंकि जॉब्स आजकल लेस है। लेकिन अगर दूसरे कॉलेजेस के मुकाबले बात किया जाए तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का सबसे अच्छा है। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर टू कॉलेज। तो दोस्तों नंबर टू कॉलेज है AEMA, एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम अकेडमी। दोस्तों ये भी एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कॉलेज है मर्चेंट नेवी के लिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और दोस्तों इनकी खुद की शिपिंग कंपनी है एंग्लो ईस्टर्न, जो कि बहुत ही बड़ी शिपिंग कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड शिपिंग कंपनी है। और दोस्तों यहाँ पे जो कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं वो होते हैं दोस्तों DNS, GME और ETO। हाँ दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ये तीन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, BTech मरीन इंजीनियरिंग और BSc नॉटिकल साइंस यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये सिर्फ तीन कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं DNS, GME एंड ETO। और दोस्तों यहाँ का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी शिपिंग कंपनीज तो आती ही है प्लेसमेंट के लिए और स्पॉन्सरशिप के लिए, लेकिन क्योंकि साथ में एंग्लो ईस्टर्न खुद एक बहुत ही बड़ी शिपिंग कंपनी है तो वो भी यहाँ से बहुत सारे अपने कैंडिडेट्स जो है वो रिक्रूट कर लेती है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर कॉलेज में आके अच्छे से मेहनत करते हैं तो दोस्तों आपके प्लेसमेंट के चांसेस और स्पॉन्सरशिप के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू इफ़ यू ज्वाइन एनी अदर प्राइवेट कॉलेज। अब दोस्तों आता है नंबर थ्री कॉलेज, और नंबर थ्री कॉलेज का नाम है दोस्तों SIMS, SIMS समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़।
दोस्तों ये कॉलेज प्रोवाइड करता है 4 कोर्सेज जिनका नाम है DNS, GME, ETO एंड BTech मरीन इंजीनियरिंग। हाँ दोस्तों BSc नॉटिकल साइंस यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये 4 कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो है वो काफी अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। दोस्तों इनटेक जो है यहाँ का वो थोड़ा कम है बाकी कॉलेजेस के मुकाबले, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आपका प्लेसमेंट यहाँ से गारंटीड है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली तो। कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने जो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है उसके दौरान अगर आपने अपनी पढ़ाई पे काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया है तो कोई भी दोस्तों यहाँ पे आपके प्लेसमेंट को नहीं रोक सकता। काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ इनके टाई अप है, दुनिया की जो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज है, रेप्यूटेड शिपिंग कंपनीज है, वो यहाँ पे आती है दोस्तों प्लेसमेंट के लिए। तो अगर आपने सिम्स में अगर दोस्तों प्लेसमेंट ले लिया है सॉरी एडमिशन ले लिया है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं ले लिया है तो आप इस कॉलेज को एक थॉट दे सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है और यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों जो 4th नंबर पे कॉलेज है वो है द ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़। ये भी दोस्तों एक काफ़ी अच्छा मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है, कुछ कोर्सेज प्रोवाइड करता है, 4 कोर्सेज ये प्रोवाइड करता है जिनका नाम है DNS, GME, GP रेटिंग एंड ETO। ये जो 4 कोर्सेज है ये यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं ग्रेट ईस्टर्न में। और दोस्तों इनकी भी खुद की शिपिंग कंपनी है, ये एक इंडियन कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर आप दूसरी शिपिंग कंपनीज में स्पॉन्सर्ड नहीं होते, प्लेस नहीं होते, तो आप इन्हीं की शिपिंग कंपनी में ये अपने ये आपको स्पॉन्सर्ड कर लेते हैं। और इसी वजह से ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज बन जाता है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन लेने से। और दोस्तों यहाँ पे जो सैलरीज मिलती है वो भी इंडियन रुपीज़ में ही मिलती है, डॉलर्स में आपको नहीं मिलती है। तो काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है फिलहाल, और देखा जाए तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, स्पॉन्सरशिप रिकॉर्ड भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। तो ये एक कॉलेज हो सकता है स्पेशली अगर आप GME या DNS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, GP रेटिंग के लिए भी भारत में ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस रहेगा। अगला दोस्तों 5th नंबर पे कॉलेज आता है मैनेट, महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये कॉलेज भी दोस्तों पुणे में है और इस कॉलेज में प्रोवाइड किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 कोर्सेज और वो है BSc नॉटिकल साइंस और BTech मरीन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों ये जो 2 कोर्सेज है ये यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड दोस्तों यहाँ का अच्छा है, लेकिन दोस्तों बात यह है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इनकी खुद की शिपिंग कंपनी नहीं है तो वहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा लैग हो जाता है। लेकिन आप यहाँ क्योंकि इनकी फीस जो है वो दूसरे कॉलेजेस के मुकाबले कम है, और दोस्तों अगर आप यहाँ पे आके अच्छे से मेहनत करते हैं, अगर आप अपना 100% देते हैं आप अपनी स्टडीज में, तो दोस्तों आप यहाँ से भी गारंटीड प्लेस्ड होंगे। और दोस्तों जो शिपिंग कंपनीज यहाँ पे आती है वो बहुत ही बड़ी शिपिंग कंपनीज है दुनिया की, जो शिपिंग कंपनीज आपको तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में देखने को मिलेगी वही शिपिंग कंपनीज यहाँ पे आती है। तो दोस्तों जो लेवल है कॉलेज का वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन प्लेसमेंट रिकॉर्ड थोड़ा सा कम है फिलहाल के लिए। तो अगर आप यहाँ पे आके अच्छे से मेहनत कर सकते हैं तो दोस्तों आप कम फीस में एक बहुत ही बड़ी शिपिंग कंपनी में प्लेस्ड होने के चांसेस अपने जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज सूटेड रहेगा अगर आप थोड़ी सी कम फीस पे करना चाहते हैं और एक बहुत ही ज्यादा बड़ी शिपिंग कंपनी में प्लेस्ड होना चाहते हैं। अगला दोस्तों 6th नंबर पे कॉलेज आता है IMI नोएडा। ये भी दोस्तों काफ़ी फेमस इंस्टीट्यूट है, अगर आपने मर्चेंट नेवी के बारे में सर्च किया होगा इंटरनेट पे तो ज़रूर अभी तक आपने इनकी एड तो देख ही ली होगी। बहुत ही ज़्यादा ये अपना जो एक्सपेंड करते हैं जो एड में, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है फिलहाल। इनका जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखा जाए तो वो भी काफ़ी ठीक ठाक है अगर आप अच्छे से जाके वहाँ पे, सेम मैनेट जैसा ही है ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर आप वहाँ पे जाके अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। पिछले कुछ सालों में दोस्तों थोड़ा सा प्लेसमेंट हालांकि गिरा है, लेकिन अभी भी अगर आप वहाँ पे जाके अच्छे से मेहनत करें तो दोस्तों आप वहाँ पे जाके प्लेस्ड हो सकते हैं। अभी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, अच्छा कॉलेज है और अच्छे से आपको प्लेसमेंट दे सकता है। बस बात यह है कि आपको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। दोस्तों ये भी 3 कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं DNS, GME एंड BTech मरीन इंजीनियरिंग। अगला दोस्तों 7वें नंबर पर कॉलेज आता है M8। M8 भी दोस्तों एक काफ़ी अच्छा मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है, आपने नाम सुन लिया होगा। और दोस्तों इसमें जो है जो 4 कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं DNS, GME, BTech मरीन इंजीनियरिंग एंड BSc नॉटिकल साइंस। तो दोस्तों ये जो 4 कोर्सेज है ये इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ का भी अच्छा है और कंपनीज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आती है, अच्छी कंपनीज आती है। बस ये है कि आपको इसमें भी अच्छी मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब दोस्तों बात ये आ जाती है जहाँ पे भी BSc और BTech मरीन इंजीनियरिंग नाम आ जाता है तो उस कॉलेज में आप ये मान के चलिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी उस कॉलेज में जाके।
क्योंकि डीएनएस में तो दोस्तों आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, समझ लीजिए एंग्लो ईस्टर्न में जा रहे हैं और आप डीएनएस कोर्स ले रहे हैं, तो दोस्तों आपको उस कॉलेज की स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी उस कॉलेज से। लेकिन दोस्तों प्लेसमेंट में ऐसा सिनेरियो नहीं है। तो दोस्तों प्लेसमेंट में अगर आप प्लेसमेंट चाहते हैं, अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस या बीटेक मरीन इंजीनियरिंग ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स किसी भी कॉलेज में जाके आपको अपना 100% तो देना ही होगा। आप 100% कॉलेज पे निर्भर नहीं रह सकते कि कॉलेज आपको सब कुछ लाके प्रोवाइड करेगा। तो यही सीन दोस्तों हो जाता है एमएड के साथ में भी। कंपनीज आती है, अच्छी कंपनीज आती है, बस बात यह है कि अपनी तरफ से जो बच्चे हैं उनको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने होते हैं, और अगर आपने एफर्ट्स डाले यहाँ पे भी तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, कोई आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। अगला दोस्तों कॉलेज आता है IMA चेन्नई। ये भी दोस्तों काफी अच्छा कॉलेज है और यहाँ का भी प्लेसमेंट रिकॉर्ड ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है लेकिन बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। सेम चीज आ जाती है, आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फैकल्टी यहाँ की काफी अच्छी है, ऐसा मैंने बात की कुछ लोगों से वहां से और सुनने में आया कि फैकल्टीज जो वहाँ पे पढ़ाती है वो काफी अच्छे तरीके से पढ़ाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवा करके छोड़ दिया या फिर कोई भी टॉपिक लेके अच्छे से समझाया नहीं। तो यहाँ पे जो नॉलेज आपको मिलेगा बीटेक मरीन इंजीनियरिंग का, वो अच्छा नॉलेज मिलेगा, साथ में आपको एक अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी मिलेगा। आपने अगर वहां पे जाके नॉर्मली मेहनत की तो ये भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। ये भी दोस्तों कॉलेज जो है वो 4 कोर्सेज प्रोवाइड करता है, बीटेक, बीएससी, डीएनएस एंड जीपी रेटिंग। तो ये जो 4 कोर्सेज है ये इस कॉलेज में प्रोवाइड किए जाते हैं। अगला जो दोस्तों 9th नंबर पे कॉलेज आता है वो है दोस्तों गणपत यूनिवर्सिटी। ये है दोस्तों मेहसाणा गुजरात में, काफी आपने नाम नहीं सुना होगा फिलहाल के लिए, लेकिन ये भी काफी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैरिटाइम इंस्टीट्यूट, न्यू है कंपैरेटिवली बाकी कॉलेजेस के। लेकिन यहाँ पे जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है दोस्तों, काफी ज्यादा अच्छा इन्होंने अपना प्लेसमेंट रिकॉर्ड करके दिखाया है। फीस भी दोस्तों इतनी ज्यादा नहीं है यहाँ की, तो अगर आप गणपत यूनिवर्सिटी को चेकआउट करना चाहें तो आप जरूर वहां पे उनकी वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। काफी अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, शिपिंग कंपनीज भी वहां पे बहुत सारी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज आती है, तो वहां पे भी आप अच्छे से प्लेसमेंट ले सकते हैं एक कम प्राइस में, और कम फीस देकर आप एक अच्छी बढ़िया शिपिंग कंपनी में प्लेस हो सकते हैं। तो दोस्तों 9th नंबर पे था गणपत। अगला दोस्तों और आखिरी जो कॉलेज है 10th नंबर पे वो है दोस्तों वेल्स अकेडमी ऑफ मैरिटाइम स्टडीज। ये दोस्तों जो कॉलेज है वो लोकेटेड है चेन्नई में, और दोस्तों इसकी भी आपने डेफिनेटली एड देख ली होगी फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे, अगर आपने मर्चेंट नेवी के बारे में सर्च किया होगा। ये भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट पे। लेकिन दोस्तों बात की जाए प्लेसमेंट रिकॉर्ड की तो अच्छा प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, वही सेम सिनेरियो इस कॉलेज में भी कि अगर आपने जाके मेहनत कर ली तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने अच्छे से मेहनत नहीं की तो दोस्तों मुश्किलें आ सकती है इस कॉलेज में। इतना भी ज़्यादा कुछ नहीं है प्लेसमेंट रिकॉर्ड, इतनी भी बड़ी शिपिंग कंपनीज नहीं आती है जितनी कि दूसरे कॉलेजेस में आती है, मैंने ऊपर बताई। लेकिन अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों एक ऐसे कोई भी फर्जी कॉलेज ज्वाइन करने के अलावा आप इस कॉलेज में अगर आप जा सकते हैं, कुछ अच्छी कंपनीज आती भी है यहाँ पे, तो आपका दोस्तों प्लेसमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की। तो दोस्तों ये भी एक अच्छा चॉइस हो सकता है आपके लिए वेल्स अकेडमी ऑफ मैरिटाइम स्टडीज। कोर्सेज दोस्तों ये 4 कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, बीएससी नॉटिकल साइंस, डीएनएस एंड जीएमई। तो दोस्तों ये जो 4 कोर्सेज है ये यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट जो लिस्ट है 10 कॉलेजेस की भारत में, 10 प्राइवेट कॉलेजेस, बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट मैंने आपको बता दी है, कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं वो भी बता दिया है। अब दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कॉलेज में जाके वहां पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाए, आपको अपनी तरफ से 100% दोस्तों देना ही होगा, क्योंकि मार्केट में जॉब्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरी है। और जब तक आप 100% अपनी तरफ से नहीं देंगे आप कॉलेज को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कॉलेज लाके आपको प्लेसमेंट हाथों में देगा। वो समय गया तो आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने का मतलब ये है कि दोस्तों अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ पे एक अच्छी अपनी रैंक मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, आपको अपना टेक्निकल नॉलेज इंप्रूव करना पड़ेगा, और साथ ही में आपको अपनी एक जो रैंक है कॉलेज में वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तभी आपके जो चांसेस है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से प्लेस होने के वो बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों फिलहाल के लिए कंट्री में अराउंड 140 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि DGS अप्रूव्ड है,
उन 140 इंस्टीट्यूट्स में से मैंने आपको टॉप 10 कॉलेजेस की लिस्ट निकाल के आपको दे दी है। ये लिस्ट अब आपके हाथ में है और दोस्तों आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए कि आप कौन से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा पहले थॉट दे, किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले आप क्या चीज़ें देखते हैं उसके लिए दोस्तों आपको आई सेक्शन में एक वीडियो मिल जाएगा ऑलरेडी, आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले। 100% प्लेसमेंट का अगर कोई इंस्टीट्यूट वादा करता है तो मत आइए उस वादे में, कोई भी इंस्टीट्यूट 100% प्लेसमेंट नहीं देता है। ये वीडियो जरूर देख लीजिए, आई सेक्शन में जाके आपको ऊपर पे दिख रही होगी, वो वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो के बाद आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किसी भी कॉलेज में जाने से पहले क्या चीज देखनी है, क्या चीज चेक करनी है उस कॉलेज के साथ। 10 कॉलेजेस की लिस्ट आपके सामने है दोस्तों। अगर आप और भी ऐसे कुछ टॉपिक्स पे आपसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, हम आपके सारे कमेंट्स का वहाँ पे रिप्लाई करते हैं और उन कमेंट्स पे हम वीडियोस भी बनाते हैं। जो भी कमेंट्स हमको अच्छे लगते हैं और लगता है कि ये हेल्पफुल हो सकते हैं, हम उन कमेंट्स पे वीडियोस बनाते हैं ताकि बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सके। अगर आप दोस्तों हम चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहे और आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पाते रहें तो इस चैनल को अभी के अभी दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से होगा ये दोस्तों कि आप हमेशा नोटिफाइड रहेंगे जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे। बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें उन लोगों के साथ जो कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मैं हूँ आपका दोस्त जयवर्धन सिंह राणावत, अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद, गुड बाय।